सर, ये गीजर्स क्या होते हैं? गीजर्स, चलो जानते हैं। तो हमारे अर्थ में तीन लेयर्स हैं, क्रस्ट, मेंटल कोर। कोर में बहुत ज़्यादा गर्मी है। अब हम ये भी जानते हैं कि हमारे पास एक अंडरग्राउंड वाटर का भी सोर्स है। मीन्स वाटर कहीं ना कहीं जो ज़मीन के अंदर जाता है वो स्टोर्ड हो जाता है बेडरॉक्स के बीच में, कहीं पत्थरों के बीच में। तो वो पत्थर जो होते हैं ना बेटा, वो काफ़ी गर्म होते हैं, क्योंकि कोर में आप जा रहे हो, कोर के करीब जा रहे हो। ठीक है, कोर का टेम्परेचर और सन का टेम्परेचर लगभग सेम होता है। ठीक है, तो आप समझो उसके आसपास जो पत्थर होंगे उनका भी तो वही हाल होगा। तो पानी जो होता है ना आसपास काफ़ी गर्म हो जाता है, जो काफ़ी नीचे पानी रहता है। ठीक, अब क्या होता है कि जब उनमें प्रेशर काफ़ी बढ़ जाता है, आपने सुना होगा जब पानी या किसी चीज़ को गर्म किया जाता है तो थोड़ा सा फैलता है, एक्स्ट्रा प्रेशर लगाता है, स्टीम भी उसमें से निकलता है, भाप, है ना। तो कहीं कहीं क्या होता है ना कि वो ज़मीन में कहीं छोटा सा छेद में दिखता है ना, उसको फाड़ के पानी गिरने लगता है गर्म गर्म। हॉट वाटर स्प्रिंग कहते हैं इसको, अपने कार्टून्स में कहीं देखा होगा, डोरेमोन निंजा थोड़ी देखा है ना, अगर पूरे जीवन देखा है तो कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा हॉट वाटर स्प्रिंग, याद आ गया। हम क्रस्ट मेंटल कोर पे थे। अब वो क्या होगा, वो कहीं भी अगर छेद पाता है तो छेद में से क्या होगा, वो बाहर आएगा, पानी बाहर आएगा, है ना। तो गर्म पानी आता है, उसी को हम कहते हैं गीजर्स। वो नेचुरल गीजर्स होते हैं। वही गीजर नाम उठा के ना हमने बना दिया मशीन और उसको नाम दे दिया गीजर, है ना। तो समझ गए, तो जल्दी से चैनल को लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो, और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलना।